हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे झारखंड की बहुत ही फेमस धुसका की रेसिपी। इसे काले चने की सब्जी, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाया जाता है और ये झारखंड की ट्रेडिशनल रेसिपी है दोस्तों। इसे हर पर्व हर त्योहार में यहाँ बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। धुसका बनाने के लिए एक बड़े साइज के बर्तन में लेंगे 2 कटोरी चावल। ये अरवा चावल है जिसे हम लोग खीर बनाते हैं, कच्चा चावल जिसे बोलते हैं, ये वही चावल है। मोटा अरवा चावल या महीन वाला जो आता है, सेंटेड वाला, कोई भी चावल आप ले सकते हैं। अब डालेंगे उसी कटोरी से नापकर, जिस कटोरी से चावल लिए हैं, 1 कटोरी चना दाल। 2 कटोरी चावल है तो 1 कटोरी चना दाल लेंगे और उसी कटोरी से नापकर 1/2 कटोरी उड़द दाल लेंगे। मतलब 2 कटोरी चावल, उसका 1/2 कटोरी चना दाल और उसका 1/2 कटोरी उड़द दाल। इस रेशियो में धुसका एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब इसमें पानी डालेंगे और खूब अच्छे से मसल मसल कर धो लेंगे। 4-5 बार पानी से धो लेंगे इसे, ताकि इसका सारा डस्ट वगैरह निकल जाए। चावल दाल अच्छे से धो लिए हैं, अब इसमें डाल देंगे पानी। चावल डूब जाए इतना पानी इसमें डाल देना है। अब इसे ढक देंगे और 4 से 5 घंटा के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए दोस्तों, ओवरनाइट रखने के बाद दाल चावल अच्छे से फूल गया है। अब एक बार दाल चावल को फिर से धो लेंगे। दाल चावल धोने के बाद इसका सारा पानी निकाल दिए हैं, अब इसका बैटर तैयार करेंगे। ग्राइंडिंग जार में दाल चावल डाल लेंगे। एक साथ बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, इसे चिकना पीसना है तो बहुत ज्यादा चिकना नहीं पीस पाएगा, इसलिए कम कम ही पीसेंगे। अब इसमें डालेंगे ये 5-6 हरी मिर्च, 7-8 कली लहसुन और 1/2 इंच अदरक। छोटा छोटा टुकड़ा में इसे काट लिए हैं, पीसने में आसान होगा, इससे धुसका में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो लहसुन स्किप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। एक बार में पानी ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा तो धुसका बनने में दिक्कत होगा। चिकना बैटर पीस के तैयार है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब बाकी बचा हुआ दाल चावल भी इसी तरीके से पीस लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन नहीं डालना है, बस इसे प्लेन ही पीस लेना है। धुसका का बैटर बन के तैयार है, ये देखिए, इसे इस कंसिस्टेंसी का रखे हैं। फ्राई करते समय अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा बहुत पानी मिलाया जा सकता है। अब इसे ढक देंगे और 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम चना आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक मोटे तले का कड़ाही या कोई भी बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल। आप इस सब्जी को कुकर में भी बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, 1 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा डालेंगे हींग। हींग से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जीरा भून गया है, अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस ट्रांसलूशन हो जाए इतना ही भूनेंगे। प्याज हल्का भून गया है, ट्रांसलूशन हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन भून गया है, अब इसमें डाल देंगे ये भिगोया हुआ काला चना 1 कटोरी और इसे 2-3 मिनट प्याज के साथ भून लेंगे। 2-3 मिनट चना भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और सूखे मसाले डालने से पहले फ्लेम लो कर लेंगे। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम तीखा लाल मिर्च पाउडर। तीखा लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ऊपर तक भर के डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के ऊपर तक डालेंगे मीट मसाला। इसके जगह पे आप गरम मसाला भी ले सकते हैं, गरम मसाला 1/2 चम्मच ही डालिएगा। 1 टेबल स्पून नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अब इन सारे मसाले को अच्छे से खुशबू आने तक भून लेंगे।
तीन चार मिनट भुनने के बाद मसाला अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। अब इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ इस तरह से तोड़कर चार आलू। आप आलू कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं या आलू आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आलू को भी दो तीन मिनट भून लेंगे, आलू भी थोड़ा भून जाएगा। इसे ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। आलू अच्छे से भून गया है, अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे और टमाटर सॉफ्ट होने देंगे। दो मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और इसे चलाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी में कलर बहुत सुंदर आएगा। अब इसमें डालेंगे पानी। ग्रेवी कितना गाढ़ा या पतला आपको बनाना है उसी हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। वैसे इसमें थोड़ा सा पतला ही ग्रेवी बनता है, दूसरा के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत टेस्टी सब्जी बनता है दोस्तों। धुसका के साथ ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरा ये टेस्टी सा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टेस्टी सा रेसिपी कैसा लगा। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट पकने देंगे और फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। सब्जी पकते लगभग 10-12 मिनट हो गया है, अब ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए दोस्तों, सब्जी कितना टेस्टी दिख रहा है, बहुत टेस्टी खाने में भी लगता है दोस्तों। अब गैस ऑफ करेंगे और एक चना चेक कर लेंगे, कढ़ाई में भी चना अच्छे से पक जाता है। देखिए इस तरह से दबाएंगे, देखिए अच्छे से दब रहा है, सब्जी पक गया है, चना भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। सब्जी बनके तैयार है। अब चलिए धुसका का बैटर देख लेते हैं। बैटर रखिए, एक घंटा हो गया है और बैटर थोड़ा फूल भी गया है। अब इसे एक बार इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से फेंट लेने से धुसका बहुत अच्छा फूला फूला बनेगा। थोड़ी देर दो तीन मिनट फेंट लेना है। अब इसमें डालेंगे दो तीन पिंच हल्दी पाउडर, एक टीस्पून खड़ा जीरा, इससे धुसका में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, हाफ टेबल स्पून डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से फेंट लेंगे। और कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों, जिस तरह का हम लोग चीला बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं उस तरह का बैटर तैयार कर लेना है। धुसका का बैटर तैयार है, अब चलिए धुसका बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में सरसों तेल गरम करेंगे और तेल आप कोई भी ले सकते हैं अपने पसंद का, लेकिन सरसों तेल में फ्राई किया हुआ धुसका बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तेल अच्छे से गरम हो गया है, हल्का हल्का धुआं आने लगा है। अब थोड़ा सा बैटर डालकर तेल चेक कर लेंगे और ये देखिए धुसका तैर कर ऊपर आ गया है, बस इतना ही तेल गरम हमें चाहिए। अब धुसका फ्राई कर लेते हैं। बैटर उठाएंगे, आपको जितना बड़ा या छोटा धुसका बनाना है उतना बैटर ले लीजिएगा और तेल में इसे डालेंगे। एक ही जगह पे धुसका का बैटर गिराना है, इधर उधर फैलाना नहीं है, ये खुद ही फैल जाएगा। पहले एक ही धुसका डालकर चेक करेंगे ये अच्छे से फूल रहा है कि नहीं। और ये देखिए धुसका अच्छे से फूलने लगा, इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसके ऊपर तेल डाल देंगे और फिर इसे पलट लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों कितना फूला फूला धुसका बनके तैयार हो रहा है। अगर बैटर खुद ही फैलने लगे धुसका डालते समय, बहुत ज्यादा फैल जाए तो बैटर पतला होने से वैसा होता है, तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं उसे बराबर करने के लिए। और अगर धुसका का बैटर डालते ही एक ही जगह पे रह जाए धुसका का बैटर, तो थोड़ा सा दो तीन चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और फिर से उसे फ्राई कीजिए।
एकदम परफेक्ट धुसका बन के तैयार होगा। अब मीडियम फ्लेम में इसे गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। दोनों साइड से धुसका गोल्डन हो गया है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और एक बार में आप दो तीन भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से बैटर उठाएंगे और साइड में डालेंगे ताकि दो तीन धुसका एक ही साथ फ्राई कर सकें। थोड़ी देर रुक जाएंगे फिर इसे डालेंगे। एक दो सेकेंड के बाद ही धुसका डालिएगा, तेल ठंडा हो जाएगा तो धुसका बहुत ऑयली ऑयली बनेगा। यहाँ पे जगह है तो यहाँ भी डाल देंगे बैटर। एक ही बार में ढेर सारा धुसका फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत ही आसान सा रेसिपी है दोस्तों, बनाना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा तैयारी करने में टाइम लगता है, चावल भिगो देना है, इसे पीस लेना है। बहुत कम टाइम में झटपट टेस्टी धुसका बन के तैयार हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरी नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोनों साइड से गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे और बचा हुआ सारा धुसका भी इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। टेस्टी धुसका बन के तैयार है दोस्तों। अब इसे चना आलू की सब्जी के साथ चलिए सर्व करते हैं। धुसका झारखंड का पारंपरिक रेसिपी है दोस्तों। आज सर्व भी हम पारंपरिक तरीके से ही करेंगे। इसे पत्तल और इसे दोना बोला जाता है, इसी में यहाँ सर्व किया जाता है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, आप भी इस होली पे जरूर बनाइएगा। और ये है चना आलू की सब्जी।